अपनी मांगे माने जाने के बावजूद पूरी ना करने को लेकर रेवाड़ी में आंगनवाड़ी वर्करों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसको लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिला सचिवालय पहुंचकर एसडीएम को अपना ज्ञापन सौंपा। इससे पहले सभी आंगनवाड़ी वर्कर शहर के नेहरू पार्क में एकत्रित हुई। इस मौके पर उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो मजबूरन उन्हें दिल्ली के लिए कूच करना पड़ेगा। तो वो 6,000 होना चाहिए, रिटायरमेंट पे 5,000 रुपए मिलने चाहिए, खाली हाथ भेज देते हैं ऐसे 5,00,000, और पेंशन 5,000 कम से कम होनी चाहिए, और ये गर्मी की छुट्टियां है, ये बच्चों के साथ हमारी भी होनी चाहिए, हम अकेले सेंटर में बैठे रहते हैं ऐसे ही, तो वो वर्कर और हेल्पर की भी होनी चाहिए छुट्टियां। जी ऐसा है कि हमें सरकार से वादा किया था, सरकार ने हमारे से आपके गर्मी सर्दी की छुट्टी बच्चों की होगी, स्कूल की होगी, इसी तहत आपकी भी छुट्टी की जाएगी आंगनवाड़ी वर्कर और सहायिका की। जी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर सहायिका की छुट्टी लागू नहीं की है, बच्चों की छुट्टी लागू कर दी है, तो इसलिए हम आज यहाँ इकट्ठा होकर और अपना डीसी के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि हमारी छुट्टियां लागू करो, और हमारा पूर्व पोषा आ रहा है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और हमारे जो भाई ये ड्रेस है इनको हर 6 महीने लागू करो, और जो हमारी बहनों की जो शर्तें हुई थी श्रमिक कर्मचारियों में वे तुरंत अप्रैल के बाद वे सारी चीज हमारी जीपीएफ पीपीएफ जो है वो हमारा लागू होना चाहिए, और हम अपनी सरकारी कर्मचारी का घोषित हो जाए, हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया गया तो हम अपने दिल्ली के लिए केंद्र सरकार पे हम अपना धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। जो हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उसने तो हमारी मांगे पूरी कर दी है, पर बाकी केंद्र सरकार के से हमारी लड़ाई जारी रहेगी, और हम अपना आप सुझाव करके आगे का कार्रवाई दिल्ली के लिए कोच करेंगे, क्योंकि हमारा केंद्र सरकार ने वही 3,000 रुपये है, इसने हमारा 9,000 रुपये करने थे, हरियाणा ने तो कर दिया, दिल्ली वालों ने नहीं किया है।